अगर इंडिया की बात करें, इंडिया आई थिंक विराट कोहली, केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिस एप्लीकेशन से बैटिंग किया और इजीली 2 रन के ऊपर 3 आउट होने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी हम गेम से बाहर हैं। पेशेंस यस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आई थिंक जो इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा वो गेम आई थिंक स्किल के ऊपर ज़्यादा गेम है। यस उसका प्रेशर ज़्यादा है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं प्लेयर से, पूरे टीम को, पूरे अपने सपोर्टर्स को, फैन को, फैंस को, लेकिन ये स्किल का गेम है। उस दिन आपको अपनी स्किल के टॉप पर रहना है। सो विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और होपफुली मैं तो यही सोचता हूँ कि गिल एकदम वो भी फिट होके वापस आ जाएं उस गेम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। तो आई थिंक इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी सेटल्ड लग रही है और जो पीछे हमारे फास्ट बॉलर जिस तरह से बॉलिंग करके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जैसे जसप्रीत बुमराह और सिराज ने बॉलिंग की, आई थिंक हमारा यूनिट एक अच्छा यूनिट दिख रहा है। यस ये हो सकता है शुभमन गिल को डेंगू हो गया, जैसे बुखार हो गया, लेकिन मेरा अगेन मैं ऐसा सोचता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ कि शुभमन गिल पाकिस्तान वाले गेम में वापस आ जाएंगे। ईशान किशन को उनकी रिप्लेसमेंट में ओपन करना पड़ा है, लेकिन ईशान किशन भी कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, वो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। अभी पीछे रिसेंट हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो ईशान किशन की भी बहुत अच्छी फॉर्म है, एक मैच से नहीं आप जज कर सकते, लेकिन अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे। इस स्टेज पर ये बोलना कि रोहित शर्मा से हमें पीछे से परफॉर्मेंस नहीं आया, ऐसा नहीं है। आई थिंक रोहित शर्मा उस स्टेचर के बैट्समैन हैं कि जिस दिन अगर वो 10 ओवर 15 ओवर खेल गए तो वो बड़ा स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं, और ऐसे गेम, ऐसे वर्ल्ड कप के टाइम में, ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आई थिंक विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और हो सकता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि रोहित शर्मा के बैट से शायद आपको एक 200 भी देखने को मिल जाए। रिकॉर्ड के लिए मेरे को नहीं लगता कि विराट रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। आई थिंक जो विराट का इस टाइम सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि उनका हर मूव, हर सारी एनर्जी टीम के अंदर वो किस तरह से और कंट्रीब्यूट कर सकें, कैसे वो देखने को मिल रहा है। जो सबसे अच्छी चीज़ इस टाइम विराट की है कि वो हर स्टेप पे, चाहे वो प्लेयर की हेल्प करना है, चाहे यंगस्टर की हेल्प करना है, या टफ सिचुएशन में टीम को उनकी ज़रूरत है, उनको बैटिंग करना है, उनको फील्डिंग करना है, या बॉलर को सपोर्ट देना है, कैप्टन को सपोर्ट देना है। सो इस टाइम विराट जो रोल प्ले कर रहे हैं आई थिंक वो बहुत क्रूशल रोल है। एक डायमंड है जो बॉल को वापस ला सकता है, जो इन स्विंग वापस ला सकता है नए बॉल के साथ स्पेशली। सो शाहिन वो बॉल कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट की तरफ देखिए वो भी वही बॉल कर सकते हैं, आप स्टार्क की तरफ देखिए वो भी वही बॉल कर सकते हैं। सो लेफ्ट आर्म सीमर वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान यस तीनों फास्ट बॉलर्स, हालांकि शाहिन नया नसीम नहीं है इस वर्ल्ड कप में, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट है हसन ने भी अच्छा बॉल डाला और विकेट्स मिले हैं। पाकिस्तान मैं मानता हूँ कि उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है बहुत, लेकिन उनका जो वीक लिंक है वो उनकी स्पिन बॉलिंग में है। इंडिया शायद लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस टाइम इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी अगर पाकिस्तान के बराबर की ही है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह जिस लय में बॉलिंग डाल रहे हैं इंजरी के बाद, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जो आए हैं, और जिस तरह से उनका रिदम है, आई थिंक इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मोहम्मद सिराज अभी एशिया कप से 6 विकेट फाइनल में लेके आए हैं, इस टाइम वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं। मोहम्मद शमी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने हैट्रिक लिया, आई थिंक वो तो टीम जो मैनेजमेंट है उस टाइम विकेट कैसा बिहेव करता है, विकेट क्या कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिसीजन होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, चाहे हमें स्पिन डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा पेस डिपार्टमेंट है, सब एक बहुत अच्छे रिदम के अंदर हैं और सब अपनी गेम के पीक पर हैं। सो ऐसे वर्ल्ड कप में या ऐसे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में आई थिंक अगर आपके जितने प्लेयर्स अपनी गेम के पीक पे होंगे उतना आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि ये प्लेयर नहीं करेगा तो ये कर देगा, क्योंकि ये भी पीक पे है, ये प्लेयर नहीं करेगा तो ये भी कर देगा। सो आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक बॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप मोहम्मद शमी को खिलाएंगे तो मोहम्मद शमी भी पीक पर हैं, सिराज को खिलाइए वो भी वही कर रहे हैं, बुमराह को खिलाइए वो भी वही कर रहे हैं। देखिए अगर पाकिस्तान की साइड से बात करूँ तो उनके लिए अगर पॉजिटिव उनको देखना है तो अभी उनका जो बेस्ट प्लेयर है, अभी उसने रन नहीं बनाया है, उसके बाद भी उन्होंने 345 चेज़ कर दिया है। सो रिजवान ने, अब्दुल्ला ने जिस तरह की बैटिंग की है,
अच्छा देखने क्रिकेट वाइज अगर बात करूं तो बहुत अच्छा रन चेज था, और पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल कभी चेज नहीं किया, सो उन्होंने वो भी कर दिया। सो पाकिस्तान ये अब पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक अगर बाबर आजम उनका कैप्टन भी रन करेगा तो पाकिस्तान को और अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और वो यही सोच रहे होंगे, उनको यही उम्मीद होगी। लेकिन एज अ इंडियन मैं तो यही बोलूँगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर इस बार भी अगर बाबर को जल्दी आउट कर लिया जाए तो, और देखिए मेरा अगर बहुत एनालिटिकल बात करूँ और किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत का पलड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 60-40 लेके चलूँगा, पूरी उम्मीद है। और जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ इसलिए उम्मीद नहीं है कि मैं भारतीय हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सेटल रख रहा है, टीम जो सेटल रख रही है, जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, अगर आप अश्विन को खिलाना चाहते हैं तो अश्विन भी इतने मजे हुए स्पिनर हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं कि वो किसी टाइम भी वॉक इन करके खेल सकते हैं और अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जडेजा तो है ही, कुलदीप यादव तो है ही है, उन्होंने तो करना ही है। इन द सेम वे अगर मोहम्मद शामी को आप रेस्ट के बाद भी बुलाएंगे तो वो अगर नेक्स्ट गेम में इम्पैक्ट डाल के आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसे बैटिंग के अंदर भी ऐसे, अभी तो हमारे सूर्य कुमार यादव अगर खेलने का चांस नहीं मिला है, अगर वो चांस उनको मिलता है तो हम भी सूर्य कुमार यादव भी एक मैच विनर है इंडिया के लिए। सो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। सो उम्मीद है कि ऐसा